आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसा तरीका गोभी पराठा बनाने का जिससे हमारे पराठे बनाते समय बिल्कुल भी फटेगा नहीं, बहुत आराम से बनेगा, मसाला बिल्कुल चटपटा और स्वादिष्ट बनने वाला है और पराठा खाने में बिल्कुल खस्ता और कुरकुरा। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्ट ऑफ लाइफ, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो गोभी पराठा बनाने के लिए देखिए, मैंने एक मीडियम साइज़ गोभी ली है और इस तरीके से उसके जो फ्लावर्स है डंठल से अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद मैंने हल्के कुनकुने पानी में नमक डाल के इन्हें अच्छे से धो लिया और जब थोड़े सूख गए तो इस तरीके से ग्रेट कर लिया। थोड़े मोटे साइड से ग्रेट करेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं। अब देखिए, इसमें मैं 1.5 चम्मच के लगभग मैंने नमक डाला और अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम साइड रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए, इसे अब हम जो हमारी जो ग्रेटेड गोभी है उसे हम अच्छे से दबाएंगे तो बहुत सारा एक्स्ट्रा पानी इसमें निकल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। एक्स्ट्रा पानी जितना हमारी गोभी में, उन सबको अच्छे से निकाल लिया और अब इसमें ऐड करते हैं सारे मसाले। 1 चम्मच डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून के लगभग मैंने अजवाइन डाल दिया, 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने डाला हींग, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला, हल्का सा काला नमक और थोड़ा सादा नमक, नमक हिसाब से डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ढेर सारा बिल्कुल फ्रेशली कट कोरिएंडर लीव्स डाल के पहले अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के लगभग ग्रेटेड जिंजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिससे इस पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मिक्स करने के बाद देखिए, इस तरीके से जो स्टफिंग हमारी तैयार हुई है उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। गेहूं का आटा देखिए मैंने पहले से लगा रखा था, जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं बिल्कुल उस तरीके से मैंने हल्का सा नमक डाल के एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब जो लोई हम लेंगे, ध्यान रहे जितनी हमारी स्टफिंग के बॉल हैं बिल्कुल उस साइज़ की, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमारी बराबर होनी चाहिए। अब मैंने देखिए एक लोई ली, उसे इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए एक कटोरी का शेप दे देंगे। इससे क्या, हम स्टफिंग अच्छे से अंदर तक डाल सकेंगे और बहुत आराम से बेल सकेंगे। तो स्टफिंग ऐसे बीच में मैंने अंदर डाला और धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मैंने इस तरीके से देखिए फोल्ड कर लिया है और हल्का सा इसे दबा लेते हैं। और अब थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे रोटी, हम जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं उस तरीके से हम इसे बेल लेते हैं। तो ये देखिए आराम से बिल्कुल बिल गई है, ना कहीं से फटा है ना कुछ हुआ है। तवा गर्म हुआ तो उस पर डाला और दोनों तरफ घी या तेल जो आप प्रेफर करते हैं उससे सेक लेंगे और जब तक दोनों तरफ हल्का सा सुनहरा लाल और कुरकुरा ना हो जाए हम अपने इस पराठे को सेक लेते हैं। देखिए पराठा बिल्कुल सिक के रेडी है, मैं इसे आपको बीच से काट के दिखाती हूँ। ये देखिए स्टफिंग बिल्कुल इवनली स्प्रेड हुई है, बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बनता है इस तरीके से पराठा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।